जाने माने साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब का आज हम सारांश पढ़ेंगे। पाजेब कहानी में एक छोटी तथा ऐसी घटना जिस पर हम साधारणतः ध्यान ही नहीं देते, लेकिन अनजाने ही माता पिता बच्चों के मुंह में वे शब्द डाल देते हैं जो वे सुनना चाहते हैं या वे जो समझते हैं, तथा दिमाग में भी उन्हें ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि बच्चे अपने आप में ही गुमराह हो जाते हैं, तथा अभिभावक कभी भी स्वयं को बच्चों के जगह पर रखकर घटनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं करते। दूसरी बात यह कि माता पिता यह मानना ही नहीं चाहते कि वे भी कभी गलती कर सकते हैं और परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ता है। जैसे पाजेब न मिलने पर बच्चों की माँ दूसरों की गलती ढूंढती है और अपने नौकर पर शक करती है कि उसने ही चुरा ली होगी, और पिता को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि उनके बेटे आशुतोष ने ही यह कार्य किया है अपने पतंग के शौक को पूरा करने के लिए। बच्चे पर अविश्वास करके उसे सजा भी दी गई। चलिए अब हम कहानी के सारांश की ओर बढ़ते हैं। 4 बरस की मुन्नी के मन में भी पायल पहनने की इच्छा जागी तो उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, रुकमन और शीला अपने पैरों में जैसी पाजेब पहनती है ना, वैसी ही मुझे भी चाहिए। पिता के हाँ कहते ही बुआ को फरमाइश पहुंच गई और मुन्नी की बुआ ने कहा, अब के इतवार को तुम्हारी पायल अर्थात पाजेब जरूर लेती आऊंगी। अगले रविवार बुआ ने पाजेब ला दी। मुन्नी पायल पहनकर ठुमकती फिरी, रुकमन और शीला को भी दिखाया। सबने खूब तारीफ की, बड़ी सुंदर पायल, और मुन्नी बड़ी खुश थी। मुन्नी के बड़े भाई आशुतोष भी बहन की पाजेब से बड़े खुश थे। उसे लिए लिए आस पड़ोस में घूम घूम कर सबको दिखाई, लेकिन कुछ समय बाद आशुतोष ने बाइसाइकिल की जिद शुरू कर दी। बुआ ने फिर वादा किया, ठीक है, आपके जन्मदिन पर तुझे बाइसाइकिल दिलवाएंगे। बात पक्की हो गई, बुआ भी घर चली गई। पाजेब सुबुक अर्थात बहुत नाजुक थी, टूट न जाए इस विचार से उतार दी गई। मुन्नी की माँ ने भी अपने पति से पाजेब लेने की इच्छा व्यक्त की। चलिए ये बात आई गई होगी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन रात होते न होते मुन्नी की पाजेब की ढूंढाई होने लगी। श्रीमती जी ने कहा, दोपहर के बाद कोई 2 बजे मैंने दोनों पायल उतार कर नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी, पर अब नहीं मिल रही है। और खींच कर पति महोदय से कहा, सुनिए भी, और पति महोदय से भी कहा सुनी हो गई। खुद से खोई हुई पायल के लिए पति को दोष देने लगी, आप लापरवाह हैं, और बाद में बात घूम फिर कर घर के नौकर बंशी पर आ गई कि उसे बुलाकर पूछताछ की जाए, जरूर पाजेब उसी ने ली होगी। बंशी ने नकार दिया। मुन्नी के पिता ने कहा कि आज तो इससे पूछा क्या? वो बोली, वो तो खुद ही ढूंढ रहा था, कहीं मिलती तो खुद ही बता देता। बातों ही बातों में पता चला कि उसी शाम को आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना या चक्री, जिस पर पतंग की डोर लपेटकर पतंग को उड़ाया जाता है, खरीद कर लाया है। श्रीमती जी ने उसका दोष भी मुझ पर आसानी से डाल दिया कि मैं ही पतंग उड़ाने के शौक को बढ़ावा देता हूँ, कभी पास बिठाकर पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते। अगले दिन सुबह आशुतोष को पिताजी ने बुलाकर गंभीरता से पूछा, बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह नाराज हो गया, उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुंह फूल गया, उसे दुख भी हुआ, लेकिन पिता को पूरा विश्वास हो गया यह काम आशुतोष का ही है। आशुतोष के पिता को इतना विश्वास है कि वे अपनी पत्नी से कहते भी हैं, मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती है, अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है। बच्चे के लिए हमने ऐसे हालात बना दिए कि उसे चोरी करना पड़े। और वे स्वयं ही आशुतोष से बोलते जाते हैं कि तुमने पाजेब छुन्नू को दे दी है ना, खुद ही उसकी गलत कबूली पर खुश होकर गोदी में उठा लेते हैं। माँ भी खुश हो गई, भोला भाला बच्चा सच झूठ झूठे सच के बीच में झूल रहा है। फिर खुद ही कहते हैं, पतंग लाएंगे, मिठाई लाएंगे, कहकर बच्चे को भरमाते रहे।
अपने भाई प्रकाश के साथ पतंग वाले के पास भेजा, कमरे में बंद कर उसे सजा भी दी, खुद ही पाजेब की 5 आने की कीमत भी लगा दी, खुद ही 1, 2 का हिसाब लगाकर बच्चों से झूठा सच मानने को मजबूर करना माता पिता की अत्यधिक सुरक्षा और अपरिपक्व मानसिकता को दर्शाता है। आशुतोष को उसके पिता चाचा प्रकाश के साथ पतंग वाले के पास जबरदस्ती भेजते तो हैं, लेकिन वह हिम्मत दिखाता है और वहां से मौका पाकर भाग जाता है। उसे पकड़ कर लाते हैं और 2-4 चांटे मारकर कमरे में बंद कर दिया गया। पिता को पश्चाताप होता है, कोठरी खोलकर देखा तो बच्चा फर्श पर पड़ा आराम से सो रहा था। फिर उसे कहा गया, चलो पतंग वाले के पास पाजेब लेने, लेकिन वह भोला आशुतोष यही नहीं समझ पा रहा था कि पतंग वाले के पास पाजेब नहीं हुई तो क्या करेंगे। तो पिता ने कहा, छुन्नू को भी साथ ले लेंगे। 5 आने दाम पिता ही ने रख दिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आशुतोष समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे यह लग रहा है कि पतंग वाले के पास पाजेब जा कैसे सकती है। छुन्नू की माँ भी घर आकर लड़ झगड़ कर चली गई, लेकिन छुन्नू और आशुतोष दोनों अभी भी आपस में दोस्त हैं। मतलब यह कि माता पिता की शंका का बीज अबोध मन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसकी दूरदर्शिता अभिभावक नहीं रखते। अब आशुतोष के सिर पर फिर से मुसीबत आने ही वाली थी कि बुआ आ गई और जान बची, वरना पिताजी उसे चाचा प्रकाश के साथ पतंग वाले के पास भेज ही रहे थे। बुआ के सामने पाजेब की चर्चा नहीं करना चाहते थे पिताजी, इसलिए बलपूर्वक उसे बाहर भेज दिया। और पिताजी बुआ से इधर उधर की बातें करते रहे, तभी बुआ ने वे जरूरी कागजात उन्हें थमाए जो उन्होंने मांगे थे, और अपने बैग से वही पाजेब निकाल कर लौटाते हुए बोली, यह गलती से मेरे साथ चली गई थी। उन्होंने पाजेब को उसी भाव से लौटाया जैसे कोई बिच्छू उनके हाथ में हो, और आशुतोष के पिता भी उसे देखकर वैसे ही डर गए कि यह क्या, जिसके लिए तब से ये यातना झेल रहे हैं और बच्चे को यातना दे रहे हैं, वह यहाँ है। इस तरह हम देखते हैं कि यह कहानी का सारा जहाँ पूरा होता है कि कोई घटना घटने पर सबसे पहले हमारे दिमाग में नकारात्मकताएं और शंकाएं ही जागती हैं, और इस शक की वजह से छोटे बालक पर हमने देखा कि माता पिता ने किस प्रकार आशुतोष को प्रताड़ित किया और स्वयं भी परेशान रहे। अब हम इस एक मनोविज्ञान पूर्ण कहानी का सारांश देखते हैं कि सबसे पहली बात तो यह जो कहानी है आत्मकथात्मक रूप से लिखी है, उन्होंने ही अपनी जो घटना है वे स्वयं इसके मुख्य पात्र हैं, इस प्रकार से यह कहानी लिखी है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह आत्मकथात्मक रूप से लिखी गई कहानी है। और दूसरी बात इस तरह देखते हैं कि आशुतोष के माता पिता ने अपने बच्चे के प्रति अविश्वास किया, और आशुतोष इतना छोटा बालक है कि न तो वह बात समझ पाया और ना ही समझा पा रहा था कि पिता की सख्ती और नरमी दोनों ही यहाँ हम देखते हैं कि काम नहीं कर पाती है, और वह बार बार बोलता है कि उसके पास पाजेब होगी ही नहीं तो वह कहाँ से देगा। दूसरी बात कि बच्चों में देखा देखी और नकल करने की आदत होती है, और माता पिता का बच्चों की मांग की पूर्ति करते जाना बच्चों को जिद्दी बनाते हैं, लालच देकर मनचाही बात सुनना लालची बनाते हैं, और बिना गलती के सजा देने से बच्चे जिद्दी बनते जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या लेखक इस कहानी से संदेश देना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि यह सारांश यहाँ विशेषता के साथ पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम छात्रों पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है, प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, जिसके अंतर्गत आपको पूरी किताब में से अलग अलग पाठों में से ऐसे प्रश्न तैयार करके दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है, और आपको उत्तर भी वैसा ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पाठ पर आधारित एक अंकीय प्रश्न यहाँ पर कुछ उत्तर के साथ तैयार किए गए हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं वह आपको
परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता करने के साथ साथ पाठ का सारांश समझने और उत्तर लिखने में भी आपकी सहायता करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको पूरे किताब में से अलग अलग पाठों में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना है, जो 7-7 अंक के लिए 2 प्रश्न होंगे। टोटल होगा 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ससंदर्भ व्याख्या लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। कि पहला होता है संकेत, जिसमें आपको लिखना होता है कि आप 3 में से कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं संकेत किस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद होता है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियों का अर्थ आप लिख रहे हैं वह हमारी किताब में से, किताब का नाम लिखेंगे, उसमें संकलित पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे, से ली गई है। उसके बाद आता है संदर्भ। तो यह पंक्तियाँ किस संदर्भ में कौन किससे कह रहा है या लिखा जाएगा। और उसके बाद आता है व्याख्या। तो व्याख्या में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि जो पंक्तियों का आप उत्तर लिख रहे हैं उसका अर्थ आप क्या समझते हैं और उसे समझाकर आप विस्तार पूर्वक 6 से 7 लाइनों में लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियाँ, जो पाठ है, उससे आपको क्या संदेश मिलता है और लेखक ने क्या संदेश दिया है और आपको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 प्रश्न, पहला दूसरा पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न भी आपको 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना होगा। इसका उत्तर के लिए आप वीडियो के पहले भाग का सारांश लिख सकते हैं और फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखेंगे शीर्षक, उसके बाद लेखक परिचय। लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सारांश और फिर विशेषता। तो सारांश और विशेषता आप वीडियो के पहले भाग से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए भी ऐसे ही आपको 2 शीर्षक दे दिए जाएंगे, 2 में से 1 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगी, जो होगा 5 अंक के लिए 1 प्रश्न। तो इसमें भी आपको शीर्षक लिखना है और उसके बाद आपको उस शीर्षक का परिचय देना है कि यह शीर्षक कहाँ से आया। उसमें आप किताब का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे तथा एक लाइन में परिचय देंगे कि यह जो भी शीर्षक है वह कहानी का मुख्य पात्र है, सहपात्र है, कोई स्थान है, कोई घटना है, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद टिप्पणी में 5 से 7 लाइनों में आप टिप्पणी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने अंक का प्रश्न है ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिप्पणी लिखने के लिए जो प्रश्न दिया जाता है उस पर हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन टिप्पणी में बहुत कुछ नहीं लिखना है। उन जितनी भी जानकारियाँ हैं उसको कम शब्दों में लिखना होता है। और दूसरी बात ये कि 5 अंक के लिए है, तो यही प्रयास करना है कि गागर में सागर भर दें और बहुत अच्छा उत्तर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस प्रकार यह पाठ्य सामग्री इस पाठ की यहाँ पूरी होती है और जल्द ही हम अब अगले पाठ की पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे।